एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए, फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूँ। इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगी। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में, अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के दो दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था, जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था, पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं, उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए, ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा है। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था 2021 को। परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं, और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉप अप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं, तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है। आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था, कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर? ये जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया, और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है?